हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, बायनोमियल थ्योरम हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके वेटेज की बात कर लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जेई मेंस में और जेई एडवांस में दोनों में ही ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, बायनोमियल थ्योरम आपको दिख रहा होगा कि दो वर्ड्स से बना है, एक बायनोमियल और दूसरा थ्योरम। तो पहले हम बायनोमियल देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरम देख लेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बायनोमियल की, देखो बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, जब आपको दो डिससिमिलर टर्म्स जब प्लस या माइनस साइन से लिखी हुई हो तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं उस एक्सप्रेशन को, हम बायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए, सपोज करो आपके पास एक एक्स लिखा है, एक लिखा है हमारे पास वाई। अब अगर मैं इनके बीच में प्लस साइन लगाऊं तो ये बायनोमियल कहलाएगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगाऊं तो भी ये बायनोमियल कहलाएगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूं तो ये बायनोमियल नहीं कहलाएगा, अगर इन दोनों के बीच में हम डिवीजन का साइन लगा दें तो भी ये बायनोमियल नहीं कहलाएगा। तो कुल मिला के जब भी आप दो डिससिमिलर टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस साइन से लिखते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन। अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे x प्लस 3x, इसको भी बायनोमियल बोलते हैं। अरे भाई, जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा। यहां पर 4 एक है और एक x है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बायनोमियल नहीं होगा। x प्लस 4 ये बायनोमियल होगा, 4 प्लस x ये भी बायनोमियल होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होंगे, जब आपने दो डिससिमिलर टर्म्स को प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया हुआ हो तो उस तरह के टर्म्स को हम क्या बोलते हैं यहां पर, बायनोमियल टर्म्स। ओके, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन जैसे कि लिखा है x माइनस y, x इंटू वाई प्लस 1/x, एक एक्सप्रेशन है x इंटू वाई, दूसरा है 1/x। थर्ड में देखिए 1/z और 1/z को और 1 को माइनस साइन से लिखा हुआ है। इसमें देखिए नेक्स्ट में इसको और 3 को, दोनों को बीच में प्लस साइन से लिखा हुआ है। तो यहां पर एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो टोटल कितने बायनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास, 4 बायनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो इस तरह से हम लोग जो है बायनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। देखो बायनोमियल थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बायनोमियल थ्योरम आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो कैसा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। क्या सभी ने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो ये हमारा बायनोमियल जो लिखा हुआ है, दैट इज एक्स प्लस वाई, इसकी कुछ कुछ पावर्स मेरे को ये एक्सपेंशन लिखने के लिए जिस थ्योरम का यूज होगा उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। इस एक्सपेंशन को लिखने के लिए जिस थ्योरम का यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल थ्योरम। किसी भी बायनोमियल की अगर हम nth पावर लगाते हैं तो उसको एक्सपेंड करने के प्रोसीजर को या उसकी एक्सपेंशन में जो थ्योरम यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम। तो यही है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके बाद जो है हम लोग यहां पर बायनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम, रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।